दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड पे। और पोर्ट ग्रैंड आने की मेरी वजह क्या है कि एक तो मैं फैमिली के साथ आया था, और दूसरा मैंने कहा यहाँ भाई मुझे तुर्किश आइसक्रीम नज़र आ गई। जो तुर्किश आइसक्रीम की हमने वीडियो एक तारिक रोड डॉलमेन मॉल में बनाई थी, वो हमें यहाँ भी मिल गई, और प्राइस वही है 180 रुपये। तो चल के इस तुर्किश आइसक्रीम को भी एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की भी वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। तो फिर आज वीडियो बनाते हैं, फिर आओ मेरे नाल। कोई है बॉय हमारे पास ऐसा? कौन है जी? इस्लाम कैसे सर? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? वीडियो देख रहे हैं मेरी? जी जी, आपकी वीडियो देखते हैं। पूरे पाकिस्तान घूमते रहते हैं आप? पूरा पाकिस्तान? आप यहाँ पे तुर्की आइसक्रीम खाने आए? बिल्कुल। कैसी कैसी लगी आपको तुर्की आइसक्रीम? अभी तो है बेटा, लगा हुआ लाइन पर, काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर। आपको किसी ने बताया था? नहीं नहीं, पोर्ट ग्रैंड ऐसी ऐसी रैंडम आए। अच्छा, और भी कहीं खाई? तुर्की में खाई, इस्तांबुल में है। हाँ, 2019 में। अभी एक्सपीरियंस किया है स्क्रीन पे? नहीं किया। नहीं, अभी नहीं किया है, बच्चा लगा हुआ है अभी लाइन पर। हाँ, रश देख रहे हैं, रश आपके सामने लगा हुआ है। मॉल में भी है वैसे। अच्छा, सही। मुझे किसी ने यहाँ बताया था कि यहाँ भी है। जी जी, तो अभी खा के फिर अपना बताइएगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तुर्किश आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट शुरू किया, कैसा चल रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। तकरीबन हमने शुरू किया हुआ तकरीबन 1.5 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, माशाल्लाह से पब्लिक अभी किया हुआ है। अच्छा, पहले शॉपिंग मॉलों से, फिर अभी अपना पोर्ट ग्रैंड के अंदर भी। अभी पोर्ट ग्रैंड में तो मैं कहते अभी रिसेंटली शुरू किया आप लोगों ने? जी जी, अगस्त में अभी। अच्छा, तो इसके क्या चार्जेस ले रहे हैं आइसक्रीम के? सर 180 रुपीस ले रहे हैं। 180 रुपीस इन इस आइसक्रीम के? ट्रिक के भी और इसके भी? विदाउट ट्रिक्स, ट्रिक्स सेम, विदाउट, दोनों के सेम प्राइस है। तो दोनों आइसक्रीम में फ़र्क है? जी, वो थोड़ी गमी होती है, कम गमी होती है। जैसे नॉर्मल तरीके से जिसको चाहिए इसी, तो हम यहाँ से विदाउट मैजिक के दे सकते हैं। अच्छा, ट्रिक्स के। ठीक हो गया। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? रिस्पॉन्स आप माशाल्लाह से, खुद से अगर मैं कहूँगा तो आपको शायद कहेगा मजाक कर रहा है। हाँ। आप लेकिन खुद से देखिए कि लाइन लगी हुई है माशाल्लाह से, सबकी पेमेंट हुई हुई है और सब लाइन में खड़े हुए हैं। आप लाइन थोड़ा, आप थोड़ा करीब से आके चेक कर लें, पूरी लाइन है सर। मैं बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। आप पूछ सकते भी हैं और आप पूछ सकते हैं उनसे भी सबसे। मैं पूछता हूँ, बिल्कुल पूछता हूँ। सही हो गया, आ जाए नेक्स्ट, आ जाए। ये लीजिए टिश्यू बेटा, थोड़ा स्पेस रखें बेटा, स्पेस रखें। ये जो ट्रिक कर रहे हैं, कितना टाइम लगा सीखने में?
तकरीबन सर 2 से 3 माह लग जाते हैं। अच्छा, तुर्की से ही लोग आए सिखाने? शेफ ट्रेनिंग देता है। अच्छा, तुर्की से आके दिए? जी जी, सही हो गया। तो संडे के अलावा भी यही रश होता है? संडे जी बिल्कुल, थोड़ा नौज से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, और टाइमिंग, तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यहाँ की तकरीबन 4 से 12 है। 4 से रात 12 तक? 12 बजे। आज वीकेंड पे भी यही होगी? जी यही टाइमिंग है। या थोड़ा लेट हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सेम टाइमिंग है। सेम। तो आपकी सबसे बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है? सबसे बेस्ट तो ज़्यादातर लाइक चॉकलेट कर रहे हैं और वनीला करते हैं यहाँ पर। इसमें है चॉकलेट? जी चॉकलेट भी है, वनीला भी है। इसमें कितने फ्लेवर हैं? इसमें 4 फ्लेवर है अपना। 4? जी सर। कौन कौन से? चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, ब्लूबेरी है। ठीक हो गया, बेहतरीन है। तो ये पोर्ट ग्रैंड में किस जगह पर हैं आप लोग? अपना फूड एरिया में, ग्राउंड पे करें सर। फूड एरिया में? जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने आज जो है यहाँ पर एक वीडियो मैंने डॉलन मॉल की बनाई थी, माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुई, आप लोगों ने बहुत पसंद की। और मगर आज मैंने यहाँ पे आके ख़ुद से ट्रिक नहीं करी, मैंने जो लोग यहाँ पे आए थे उनके मैंने पब्लिक रिएक्शन लिए। यहाँ पे बहुत रश है क्योंकि कराची पाकिस्तान में बिल्कुल एक नया ट्रेंड आया है, तो तुर्कीश आइसक्रीम को, तुर्की में तो ऑलरेडी पहले का ये सारा मामला चल रहे थे। तो मैंने इनकी जो है ना आज कप आइसक्रीम ली, मैंने वहाँ पे कोन आइसक्रीम जो इनकी ट्रिक में यूज़ होती है वो मैंने यूज़ की थी। कोन यहाँ पे नॉर्मली मिलती है, लेकिन ये मैंने आज इनकी कप में जो दूसरी आइसक्रीम ट्राई की है, जो विदाउट ट्रिक जो पीछे सेल कर रहे हैं ना, वो मैंने ट्राई किया है। अगर आप टेस्ट इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर तो आप वो नॉर्मल आइसक्रीम खाएं जो 180 रुपये की है, और आप अगर ट्रिक के साथ कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आप, इसका टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपने अगर टेस्ट एक्सपीरियंस करना है तो इनको बोले जो इनकी जो अलग से जो आइसक्रीम है उसको एक्सपीरियंस करें। 180 रुपये की है, लेकिन ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है। तो अभी इंशाल्लाह ताला और भी लोगों का आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर आके, पोर्ट ग्रैंड है ही इतनी ज़बरदस्त जगह। पोर्ट ग्रैंड ओपन है, 5 बजे ओपन हो जाता है, रात को 12 बजे तक ओपन रहता है, तो लाजमी यहाँ पर आएँ। 300 रुपये एंट्री है, और उसके बाद फिर अंदर आके जो है संडे के अलावा आएंगे तो 300 रुपये अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। संडे के अलावा अगर संडे को आएंगे तो वो 300 रुपये फिर आपके एंट्री के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। आप इनके इसके पीछे आ जाए थोड़ा सा, ले लीजिए।
विदाउट मैजिक के यहाँ से चॉकलेट ये लो भैया, थैंक यू साथ, ये लो थैंक यू, चलो ये चलो ये लीजिए आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने तुर्किश आइसक्रीम खाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी अच्छा था, मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से चीज़ें मतलब कराची में नहीं हुई, सो इट्स न्यू फॉर अस। ये आप फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है या पहले खा चुकी थी? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ये हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, सो फर्स्ट टाइम ये आया। तो आइसक्रीम टेस्ट किया आपने अभी तक? नहीं की, नहीं अभी तक टेस्ट नहीं की है, होप ये अच्छी होगी। तो यहाँ पे ऐसे रैंडम आए थे या किसी ने बताया था कि यहाँ पे ये दुकान ऐसी खुली हुई है तुर्किश आइसक्रीम की? जी मेरा कज़न आया था, सो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने भी ये ली थी, काफ़ी अच्छी लगी उनको, सो देन उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी। तो ये ऐसी जो एक्टिविटी हो रही है ये होनी चाहिए कराची के अंदर, और इस तरह की जो ये जो तुर्किश आइसक्रीम की? जी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और होनी चाहिए इस तरीके की, कि लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता है, मीन्स बहुत अच्छी लगी मुझे तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली और लोगों के भी रिएक्शन आप लोगों को दिखाए हैं कि यहाँ पे किस तरह लोगों ने तुर्किश आइसक्रीम खाते हुए इंजॉय किया। और आज संडे है, क्योंकि संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हम लोगों ने उस रश को भी कैप्चर किया। फिर मैं दोबारा से बताया था, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी वीडियो कभी कभी आगे भी कर देते हैं, पोर्ट ग्रैंड अब टोटली ओपन हो चुका है और पोर्ट ग्रैंड के जो फूड कोर्ट है उसके अंदर तुर्किश आइसक्रीम जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं तुर्किश आइसक्रीम है, और यहाँ पे जो ट्रिक वाली आइसक्रीम है या नॉर्मल आइसक्रीम है दोनों 180 रुपए की हैं। और लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों को रेफ़र करूँगा कि जो नॉर्मल आइसक्रीम की दे रहे हैं उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और टाइमिंग इसकी है शाम को 4-5 बजे पोर्ट ग्रैंड ओपन हो रहा है और रात 12 बजे तक ओपन है, तो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, नॉर्मल भी वैसे आके इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, खाना वगैरह, फूड कोर्ट और बच्चों के लिए प्ले लैंड वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बोट राइड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट जो एक एक्सप्लोर करने की जगह है कराची के अंदर, कि कराची में जो बहुत कम जगहें हैं जहाँ पे जाके हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं, घूम फिर के हम लोग सी व्यू चले जाते हैं, लेकिन बेस्ट जगह ये है कि आप लोग यहाँ पर आएँ पोर्ट ग्रैंड अपनी फैमिली के साथ। 300 रुपये यहाँ पर एंट्री फीस है, अगर आप संडे के अलावा आते हैं तो वो 300 रुपये आपके, उसमें से 100 रुपये आपकी एंट्री फीस में काउंट होता है, 200 रुपये आपके खाने में अंदर आके एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप संडे को आते हैं, क्योंकि संडे को यहाँ पे और बहुत सारे लाइव शोज़ होते हैं, तो उसके अंदर वो पैसे फिर लाइव शो के अंदर वो 300 रुपये आपके पूरे गेट पे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 300 रुपये एंट्री फीस है, 5 साल से ऊपर वाले बच्चे पे चार्ज होते हैं। तो इसको आगे एक्सप्लोर कीजिएगा, इस जगह को, तुर्किश आइसक्रीम को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।